तो हमने डे वन से प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत फोकस किया। हमारी ग्रोथ भले ही स्लो हुई बट फ्रॉम डे वन वी वर प्रॉफिटेबल। हमारी 4-5 साल की बैलेंस शीट हर साल प्रॉफिटेबल है विथ हम लोग सैलरी उठा रहे हैं। और ऐसे बिजनेस में जो स्केल का है जिसमें मार्जिन इज 4-5%, इससे ज्यादा मार्जिन ही नहीं है वो बिजनेस में। कंपनी से मेरे को वेस्ट के बहुत इंसाइट्स मिले कि एक्चुअल मार्केट में चलता क्या है, कि कैसे हमें दूर से बहुत अच्छा दिखता है कि हाँ वेस्ट आ रहा है वो कर रहे हैं, बट उसमें भी अनऑर्गेनाइज मार्केट का इतना बड़ा नेटवर्क है कि ईच एंड एवरी चीज अगर आप सेग्रीगेट करो और सही जगह पे पहुंचाओ तो एनीथिंग कैन बी रिसाइकल इन इंडिया। स्टॉपिंग का सबसे पहला जो है एक ग्रीन वॉशिंग कंसेप्ट आया है। ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है ना, अननेसेसरीली चीजों को ग्रीन बना देना। ठीक है, देर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रीन, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, सब चीजों में अलग अलग है। बट ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है, कोई एक चीज आ गई तो उसको सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, ग्रीन है, सब हो जाता है। मेनी पीपल आर यूजिंग, और हम लोग बहुत सालों से ही यूज कर रहे हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट्स है, चीपेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक टाइम का था बिफोर सोलर, सो हम लोग काफी टाइम से उसको यूज कर रहे थे। बट व्हाट आई थिंक, कहीं ना कहीं इंडिया पीछे रह जाता है टेक्नोलॉजी। Welcome, Madhur. Welcome to the Vision Board. Thank you for being part of it. We are so happy that you are here today. आप आज Vision Board के इस प्लेटफॉर्म में आए हो क्योंकि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लगा आपके कंपनी का, दैट बेसिकली यू टेक द वेस्ट मटेरियल एंड यू मेक फर्नीचर फॉर अस। तो मुझे यस, काफी इंट्रिगिंग लगा और आपकी जर्नी को जानना मेरे लिए जरूरी है, और विजन बोर्ड इसीलिए है, एटलीस्ट दस Season 2, which is about the green heroes of India. मेरा पहला जो सवाल है, the first question I want to ask you is that मैंने आपके कंपनी का एक्रोनिम देखा, it is रिबेल. So are you a रिबेल? नहीं एक्चुअली मतलब इट्स अ वेरी क्या बोलेंगे, छोटी सी एक स्टोरी है उसके पीछे। प्लीज बताइए. सो आई स्टार्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लीज. कि ये सब कैसे शुरू हुआ, जर्नी वगैरह। तो सबसे पहले आई आफ्टर इंजीनियरिंग आई वर्क विथ महिंद्रा एंड महिंद्रा नासिक प्लांट। उसके बाद में मम्मी पापा पीछे पड़ गए, शादी कर लो, अब सेटल हो गए, सेटल हो गए। सो शादी तो करना नहीं था, फिर ऑप्शन क्या, बोल भी नहीं सकते थे कि अच्छा जॉब नहीं है वगैरह, तो फिर एमबीए करना है, एमबीए करना है। सो उसके लिए एमबीए करने गया मैं, फ्रैंकली सिर्फ शादी से बचने के लिए। लेकिन एमबीए के टाइम मुझे पता चला कि आई वॉज नेवर एन इंजीनियरिंग का, मैं हमेशा एक बिजनेस पर्सन ही था, बिजनेस बैकग्राउंड से ही था और बिजनेस ही अंदर था। तो वो टाइम समझ में आया कि नहीं, कुछ तो बिजनेस ही करना है, नौकरी वगैरह मतलब ठीक है थोड़े टाइम के लिए, एक्सपीरियंस के लिए ठीक है बट नहीं करना। बट क्या बिजनेस, घर पर खेती का बिजनेस था, खेती में जाना नहीं था, इतनी मेहनत होती नहीं थी, फिर क्या करना क्या करना। तो वो ढूंढते ढूंढते जब सेकेंड ईयर एमबीए आया तब मैंने एक वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड किया। तो वो वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में मुझे पता चला कि यार वेस्ट में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। फिर मैंने स्टार्ट किया कि कोई कंपनीज है क्या जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही है। और मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मुझे पता चला कि एक Fortune 5 US बेस्ड एक कंपनी है, वेस्ट मैनेजमेंट टीम, जो Fortune 500 कंपनी है और सिर्फ कचरे से वो बिलियन ऑफ डॉलर्स कमा रही है। सो वो चीज मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करी, मारवाड़ी वो पैसा अट्रैक्ट करेगा ही। बट इसमें पॉइंट ये अच्छा लग रहा था कि भाई पैसे कमाने के साथ हम कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए, नेचर के लिए, एनवायरनमेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं। सो फिर घर पर बोला कि वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खोलनी है, घर वाले बोले कचरे का काम तो करते नहीं है, तो घर वालों ने मना कर दिया वो टाइम। फिर क्या करना है, तो फिर आई स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ कंपनीज इन इंडिया जो वेस्ट मैनेजमेंट में काम कर रही है।
ऐसे, और मैंने सब कंपनीज को रेज्यूमे भेज दिया। मैं बोला एनी सैलरी आई वॉन्टेड टू वर्क, ठीक है। फिर आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि एक नेप्रा रिसोर्स मैनेजमेंट करके अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है, उन्होंने हायर किया। 3 दिन का हम इंटरव्यू चला मेरा, पता नहीं उन्होंने क्या देखा, फिर उन्होंने हायर किया। और फिर वहां पर से मैं बोला कि चलो ठीक है, बाद में कर लेंगे घर जाके, अभी वेस्ट मैनेजमेंट में कम से कम अपन इनसाइट ले ले, समझ ले क्या है। फिर वहां से बहुत सारा इनसाइट मिला, मैंने प्रोजेक्ट्स पर काम किया, आई वॉज प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस किया, नए सिस्टम्स और सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम लगाए, ये सब चीजें की। उसके बाद फिर दिमाग में से निकल गया कि भाई कंपनी बिजनेस नहीं करना है, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई जॉब, मुझे 9 to 6 का जॉब वैसे भी नहीं चाहिए था और ये है भी नहीं, और ईच डे आई वॉज हैप्पी टू गो टू द ऑफिस, सो आई वॉज वेरी सेटल्ड। फिर वहां पर फ्लैट वगैरह, जो नॉर्मल एक इंसान सोचता है कि भाई फ्लैट वगैरह ले लेते हैं, अब सेटल हो जाते, शादी हो गई थी। तो फिर पापा ने मना कर दिया, बोले नहीं हम लोग अहमदाबाद नहीं आएंगे, हमारी यहीं पर खेती है, हम लोग यहीं रहेंगे, एंड आई एम द ओनली सन, एक सिस्टर है जिसकी शादी हो गई है, तो अलग अलग रह नहीं सकते थे। तो फिर वापस जॉब उनको कन्विंस किया कि सर नहीं कर सकता जॉब, फिर छोड़ के मैं वापस अमरावती आ गया। वाह फिर कुछ दिन तक के खेती संभाली, लेकिन वो वेस्ट में इतना मन लग गया था कि उसके बिना रहा नहीं। फिर अमरावती में मेरे बचपन के दोस्त थे, 3 दोस्तों को पकड़ा, उनको समझाया, मैं बोला स्टार्ट करते हैं, 2 3 साल पैसा नहीं कमाएंगे लेकिन मजा बहुत आएगा। और ऐसे करके हमने वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से स्टार्ट किया। हम लोग क्या करते थे, सिंपली हम लोग वेस्ट कलेक्ट करते थे, उसको सेग्रीगेट करते थे हमारी फैसिलिटी पर, और दूसरे जो रिसाइकलर्स थे उनको रॉ मटेरियल के तौर पर प्रोवाइड करते थे, जो नॉर्मल कबाड़ी वाला करते थे, बट हम स्टैंडर्डाइज कबाड़ी वाला एक बोल सकते हैं हम। सो वैसा स्टार्ट किया। अब वो जब कंपनी का नाम ढूंढना था, तब हमने बहुत सारा सोचा कि क्या है, कुछ रिसाइकल रिलेटेड रखते, कुछ रिसाइकल रिलेटेड रखते हैं। फिर हमने बहुत सारा रिसाइकल बिन, रिसाइकल डस्टबिन, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन सोचे। फिर मेरी मॉम ने आइडिया दिया, बोले हमारे टाइम बोले जो कचरा गाड़ी आती थी ना उनको घंटा गाड़ी बोलते थे, तो वो घंटा गाड़ी से बेल आया। तो फिर वैसा हमने रखा कि रिसाइकल बेल। आज भी अमरावती में जो अनऑर्गेनाइज मार्केट है वो हमको घंटी वाले ही बोलते हैं, क्योंकि वी हैव अ साइन ऑफ बेल इन आर लोगो। और फिर जब लोगों के रिसाइकल बेल प्राइवेट लिमिटेड नाम फिक्स हो गया, उसके बाद में फिर जब लोगो का आया, फिर हम लोगों ने खुद ही सब लोगोज वगैरह डिजाइन किए हैं, तो वो अननोइंगली री बेल हो गया। और फिर हम लोग सोचे यार ये तो सही जम गया, सो इट वाज नॉट इंटेंशनल, वो होते होते हो गया री बेल। मेबी आपके जर्नी में भी आप एक रिबेली थे, क्योंकि आपके पेरेंट्स को समझाना, फिर वो माने कैसे? बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, क्योंकि मैंने अपना बिजनेस जब स्टार्ट किया था, आई एम कमिंग फ्रॉम ए बंगाली फैमिली, और वहां पे क्या जॉब ही सब कुछ है, आप बढ़िया जॉब करो आपको पहले तारीख को सैलरी मिलेगा। मेरे फादर बैंक में थे, तो वो कॉन्सेप्ट जो है बिजनेस का, वो आप लोगों के उसमें फिर भी है कि बिजनेस का कॉन्सेप्ट है, तो वो माने कैसे? तो मतलब पापा तो अभी तक के भी नहीं माने हैं, वो सबको फर्नीचर, जब से हमने इको नेचर इंट्रोड्यूस किया, वो आज भी ये कहते हैं कि फर्नीचर का बिजनेस है। मैं कचरे में काम कर रहा हूँ, उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हमारे जनरली सोसाइटी में कैसा होता है, और मारवाड़ीज एंड अग्रवाल्स, इनमें क्या होता है ना, कचरे में काम करना यानी नीचे तबके का काम माना जाता है, ठीक है। तो मैंने तो बोल दिया कि भाई यहाँ पर रहना है तो मैं खेती करने नहीं वाला हूँ, अमरावती इज नॉट इट अ डिस्ट्रिक्ट है लेकिन स्मॉल है, तो यहाँ पर कोई जॉब भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है नहीं। मैं बोला मेरे पास यही एक ऑप्शन है, मेरा इसमें मन भी लगता है, मेरा दिमाग भी चलता है। बट मेरे से ज्यादा दिक्कत हो रही थी मेरे पार्टनर लोगों को, क्योंकि उनका तो आइडिया भी नहीं था, सिर्फ मेरे कहने पर उन्होंने पैसा लगाया मेरे आइडिया पर, खुद का इनपुट दिया, मेहनत लगाई, अपने 3 4 साल दिए, और घर वालों को भी कन्विंस किया। उन्होंने कैसे कन्विंस किया आई डोंट नो, मैंने तो पापा को सीधे कन्विंस किया कि भाई हर महीने की सैलरी आ रही है तो मतलब बिजनेस कुछ अच्छा चल रहा है। और फिर हमको जब अवार्ड्स वगैरह मिले, कुछ जैसे नितिन गडकरी जी, उनके हाथ से अवार्ड मिला, स्टार्टअप्स में कुछ अवार्ड मिले, तो
टीवी पर हम लोग आए तब उनको थोड़ा सा अच्छा लगे कि नहीं कुछ तो अच्छा कर रहे हैं बच्चे। सो पहले 2 साल तो उन्होंने फैक्ट्री विजिट ही नहीं की, कभी आए नहीं वो लोग हमारे गोडाउन में। बट जब टीवी पर पहली बार उन्होंने हमारा गोडाउन देखा कि कैसे हम लोग क्या काम करते हैं कैसे करते हैं, फिर हमने एक लंच टाइप ऑर्गेनाइज किया था हम लोग, कैसे हर साल फर्स्ट मई को लेबर डे के दिन लेबर लोगों के लिए लंच ऑर्गेनाइज करते हैं हमारी फैक्ट्री में। तो फिर उनको हमने इनवाइट किया, प्री कोविड उनको इनवाइट किया कि आप आओ एक बार विजिट तो करो, देखो तो बच्चे कर क्या रहे हैं। तब वो लोग आए, उन्होंने विजिट किया, फिर थोड़ा सा उनको सेटिस्फेक्शन लगा कि नहीं कुछ अच्छा काम कर रहे, टीवी पर आ गए यानी अच्छा काम। वो थोड़ा सा हमारे सोसाइटी में है कि टीवी में बच्चा दिख जाए तो मतलब अच्छा कर रहे हैं। बस 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 मधुर, आपके जो पहला जॉब था, आई एम नॉट राइट, टॉकिंग अबाउट द महिंद्रा वन, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेस्ट नेपरा मैनेजमेंट का राइट। जॉब था, व्हाट आर योर लर्निंग्स? क्योंकि मुझे लगता है क्योंकि आपने बहुत डिटेल में वहां काम किया होगा, आपने बहुत बेस से चीजें शुरू की है, इसी वजह से आप अपना बिजनेस भी एकदम, क्योंकि आपका तो कोई एक्सपीरियंस नहीं था बिजनेस का, लेकिन क्योंकि आपने सीखा बहुत अच्छी तरीके से है, उस वजह से आप ये बिजनेस कर पाए। सो व्हाट आर योर टॉप लर्निंग्स फ्रॉम दैट ऑर्गेनाइजेशन? कैसे एक इंटरनेशनल कंपनी, आई थिंक इट वाज एन इंटरनेशनल कंपनी, राइट? नो इट इज नेशनल, अब इंटरनेशनल जा रही है। वो ओ टाइम ओके, इट वाज अ स्टार्टअप ओनली, हाँ, बट अब इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। उनके 4-5 जगह प्लांट हो गए, सेटअप हो गया है, सो बट व्हाट दैट आर द टाइम इट वाज थिंग्स, नॉट वेरी बिग व्हेन आई जॉइंड इट। What did you learn from them? सो बेसिक कंपनी से ज्यादा मैंने एज अ पर्सन उन वहां के जो सीईओ थे मिस्टर संदीप पटेल, कंपनी से ज्यादा मैंने उनसे बहुत सीखा। तो सबसे पहला जो सीखा है, ऑलवेज वर्क ऑन प्रॉफिटेबिलिटी। तुम अगर बिजनेस कर रहे हो, अभी का जैसा स्टार्टअप कल्चर है, स्केल एट एनी स्टेज, तो वो भी इन्वेस्टर बैकअप था, लेकिन उन्होंने मुझे ये सिखाया कि भाई अगर तुम इन्वेस्टमेंट के पीछे भागोगे तो वो स्केल करते जाओगे, प्रॉफिटेबिलिटी कहीं ना कहीं लूज हो जाएगी। यस, तो हमने Day 1 से प्रॉफिटेबिलिटी पर बहुत फोकस किया। हमारी ग्रोथ भले ही स्लो हुई, बट फ्रॉम Day 1 वी वर प्रॉफिटेबल। हमारी 4-5 साल की बैलेंस शीट हर साल प्रॉफिटेबल है, विथ हम लोग सैलरी उठा रहे हैं। और ऐसे बिजनेस में जो स्केल का है, जिसमें मार्जिन इज 4-5%, इससे ज्यादा मार्जिन ही नहीं है वो बिजनेस में, तो वो चीजें उनसे सीखी। दूसरा, कंपनी से मेरे को वेस्ट के बहुत इंसाइट्स मिले कि एक्चुअल मार्केट में चलता क्या है, कि कैसे हमें दूर से बहुत अच्छा दिखता है कि हाँ वेस्ट आ रहा है वो कर रहा है, बट उसमें भी अनऑर्गेनाइज मार्केट का इतना बड़ा नेटवर्क है कि ईच एंड एवरी चीज अगर आप सेग्रीगेट करो और सही जगह पे पहुंचाओ तो एनीथिंग कैन बी रिसाइकल इन इंडिया। और दिल्ली वाले इसमें एक्सपर्ट है, वो कुछ भी रिसाइकल कर देते हैं, बाय गुड मींस और बैड मींस वो बात की बात है, बट दे रिसाइकल। और ये हमारे यहाँ से बहुत सालों, डेकेड से ये रिसाइकलिंग हो रहा है, बट अनऑर्गेनाइज्ड है इसलिए कभी वो नोटिस नहीं हुआ। सो वो वेस्ट के इंसाइट्स मिले। फिर इको नेचर का बेस पॉइंट जो था, मैंने वहां पर भी कोशिश किया था कि कैसे है, जैसे मैंने बताया वेस्ट मैनेजमेंट का जो बिजनेस है वो 1 रुपए 2 रुपए मार्जिन का बिजनेस है। तो अब 2 चीजें हैं, एक तो आप इतना क्वांटम पे जाओ कि 1 रुपए 2 रुपए ही आपको बहुत ज्यादा पैसे दे दे, या फिर मार्जिन इंक्रीज करो। अब मार्जिन इंक्रीज करने के लिए ही हमें खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना था, इसलिए हम लोगों ने इको नेचर लॉन्च किया। और वहां पर वो कंपनीज में समझा, वो भी कंपनी वेस्ट कलेक्ट करती थी, सेग्रीगेट करती थी और रिसाइकलर को सेल आउट करती थी। रिसाइकलर्स लाइक पेपर गोज टू पेपर मिल, पीवीसी जो प्लास्टिक के अलग टाइप्स होते हैं, कुछ पाइप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं, कोई टॉय मैन्युफैक्चरिंग में, कोई मैट मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसे अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। हम लोग 100 से भी ज्यादा चीजों को सेग्रीगेट करते हैं अलग अलग रिसाइकलेबल्स में। सो वो पता चला कि जो भी रिसाइकलर्स को हम सेल आउट कर रहे थे वो उसमें कुछ ना कुछ वर्जिन या न्यू प्लास्टिक ऐड कर रहे थे। ऐसे मार्केट में चीज ही नहीं थी जो 100% रिसाइकल से बनी, उसमें वर्जिन का कुछ भी यूज नहीं। तो वो टाइम सोचा था, मतलब वो कंपनी में ही मैंने सजेस्ट किया था, सर हम लोग ऐसी एक चीज बनाते हैं जो 100% रिसाइकल से बने। बट उनका विजन डिफरेंट था, उनका विजन था कि वेस्ट को ही मैनेज करना है। तो
तो वो चीज फिर हमने कंपनी में लाई। उससे हमारे इको नेचर को लाने का मेन दो ही पर्पस थे, एक ऐसी चीज बनानी थी जो 100% रिसाइकल प्लास्टिक से बनी हो, और दूसरा मार्जिन हमको इंक्रीज करने थे। तो सर ने ही मुझे सिखाया था, जब तुम केजी से नंबर में जाते हो तब तुम्हारे मार्जिन इंक्रीज होते हैं। इट इज अ वेरी गुड लॉजिक बट एप्लीकेबल एवरीवेयर। वेरी ट्रू. जैसे गेहूं केजी से मिलता है तो उसका एक्स प्राइस होता है केजी के हिसाब से, जैसे यस ही आशीर्वाद का आटा पैकेट में आता है तो वो पैकेट का रेट होता है, वो टाइम किलो का कोई रेट नहीं पकड़ता है। ट्रू ट्रू. सो इट इज अ वेरी गुड थिंग। तो हम लोगों ने केजी से नंबर पर फर्नीचर के तौर पर लेकर आए, और अभी कल लगभग 2.5 साल हो गए इकोनेचर को लॉन्च करे, और इट्स गुड। अभी हमारा यानी जब इकोनेचर लॉन्च किया था तब सिर्फ अराउंड 10% रेवेन्यू इकोनेचर से आता था। इस साल हमारा ऑलमोस्ट 30-35% रेवेन्यू इकोनेचर से आएगा। वाह, 30-35%, दैट्स लाइक ह्यूज हाँ, एक्चुअली. एंड तो योर कंपनी इज ओनली हाउ मेनी इयर्स ओल्ड? 5 years। दैट्स इट. ओके, दैट्स ग्रेट ग्रेट. मधुर, आपके इस पॉइंट से मुझे एक चीज पूछना है कि व्हाई डू यू थिंक इतनी हम बातें करते हैं क्लाइमेट चेंज, ये वो, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें वैसा करना चाहिए. व्हाई डू यू थिंक दैट वी आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली? आई मीन, आई डू अंडरस्टैंड, आपने एक कंपनी में काम किया, आपने वो कॉन्फ्रेंस सुना, आपको कुछ हिट हुआ, बट हाउ कैन वी मेक इट मोर, यू नो, वायरल? आजकल वायरलिटी की बड़ी बात होती है. हाउ कैन एनी पर्सन बी पार्ट ऑफ दिस चेंज? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सबको बिजनेस ही करना है, बट एटलीस्ट अपने घर का कूड़ा तो अलग कर सकते हैं ना, इतना तो एक सिंपल चीज कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट डू यू थिंक इज स्टॉपिंग अस एंड व्हाट वी कैन डू टू मेक इट बेटर? देखिए, इसमें कैसा है, विलिंगनेस का प्रॉब्लम नहीं है जैसे आपको लगता है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे नेचर के लिए एटलीस्ट मैं जितना कर पाऊँ, नॉट नेसेसरीली मुझे स्पेंड ही करना है एक्स्ट्रा, क्योंकि आजकल क्या है, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट महंगे हो गए हैं। मतलब ठीक है, नॉट नेसेसरीली स्पेंड ही करना है, बट बहुत सारे लोगों को इच्छा है कि भाई मैं भी करूं। तो स्टॉपिंग का सबसे पहला जो है, एक ग्रीन वॉशिंग कंसेप्ट आया है। अभी ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है ना, अननेसेसरीली चीजों को ग्रीन बना दे रहे हैं। ठीक है, देर इज डिफरेंस बिटवीन ग्रीन, सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली, सब चीजों में अलग अलग है। बट ग्रीन वॉशिंग में क्या होता है, कोई एक चीज आ गई तो उसको सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है, ग्रीन है, सब हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, प्लास्टिक बैग से जो पॉलिथीन्स होती है उससे पेपर बैग आपके नजर में ग्रीन है कि नहीं है, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग क्या सोचेगा? ग्रीन बट वो ग्रीन तभी है इफ इट कैन बी यूज मल्टीपल टाइम्स, है, तब वो वो सस्टेनेबिलिटी सस्टेनेबल बनता नहीं है. है। रीजन ट्रू प्लीज. मैं आपको बताता हूं, प्लास्टिक के बैग से बनाने में पेपर की बैग का कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ट्रक में अगर 10,000 प्लास्टिक के बैग आएंगे तो उसमें सिर्फ 2,000 ही पेपर के बैग आएंगे, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी कार्बन फुटप्रिंट ज्यादा जनरेट हो रहा है। ठीक है, इंटरेस्टिंग. सेम इज केस विद द क्लॉथ बैग, सेम इज केस विद द पीपी नॉन वन बैग। इसलिए वो इको फ्रेंडली है क्योंकि वो एनवायरमेंट हार्म नहीं कर रही है, बट दे आर नॉट सस्टेनेबल। ठीक सच अ है, फाइन लाइन. देर इज अ वेरी फाइन लाइन। सस्टेनेबल मीन्स आप फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचा रहे हो और उसके साथ ही आज एनवायरमेंट को बचा रहे हो। ऐसे तीन चार कंसेप्ट इज ऑल सस्टेनेबिलिटी। अब मैं मतलब क्या बोल रहा हूँ, आई एम नॉट प्रेजिंग आर फर्नीचर, हमारे जैसे और भी लोग जो काम कर रहे हैं रिसाइकलिंग पर, आई एम प्रेजिंग ऑल ऑफ देम। अब हमारे टाइप के जो फर्नीचर है, हम लोग 100% प्लास्टिक वेस्ट से बना रहे हैं, तो इसमें नया रिसोर्स कहीं ऐड अप नहीं हो रहा है। प्लस हमने वो लाइन चुनी है जो जिसमें वुड डोमिनेंट है, ज्यादातर फर्नीचर वुड के बनते हैं। मोर फर्नीचर मीन्स मोर वुड मीन्स मोर डिफोरेस्टेशन। ठीक है, सेकेंड, फर्नीचर बनते हैं मेटल के, इफ नॉट वुड देन मेटल।
मोर मेटल, मोर मेटल माइनिंग, यानी हम लोग रिसोर्सेस एग्जॉस्ट कर रहे हैं, 100%. तो हम लोग वो चीजें बचा रहे हैं। दूसरा, प्लास्टिक वेस्ट तो बच ही रहा है। हमारे प्रोडक्ट आफ्टर इयर्स ऑफ यूसेज कभी लैंडफिल में नहीं जाएंगे, क्योंकि दे आर अगेन रिसाइकल। जो रिसाइकलर को हम दे रहे थे, जो वर्जिन ऐड कर रहे थे, हमारे प्रोडक्ट से भी वो सेम रिसाइकलर वर्जिन ऐड करके उनके प्रोडक्ट्स बना सकता है। सो दिस टाइप ऑफ कंसेप्ट इज सस्टेनेबल। वैसे ही जो अभी पेपर बैग्स बन रही है बहुत सारी बार, जो हमको डल लगती है, जो हम खरीदते नहीं है क्योंकि वो सस्ती होती है, दे आर ऑल रिसाइक्लेबल पेपर बैग्स। ओह हाँ, दे अच्छा आर मोर सस्टेनेबल देन न्यू पेपर बैग, बट राइट इट्स ऑल ग्रीन वॉशिंग, लैक ऑफ अवेयरनेस। और मैंने जैसे बताया कि इको फ्रेंडली चीजें ज्यादा महंगी हो गई है, तो लोगों की इच्छा रहते हुए भी पॉकेट देखना होता है। सो ये दो तीन मेन चीजें हैं जो मुझे लगता है कि इको फ्रेंडली लोगों को होने से रोक रहे हैं। नहीं तो मुझे बताइए, नेचर के लिए कौन काम नहीं करना चाहेगा? यू आर 100% राइट, क्योंकि हमने इको फ्रेंडली को बड़ा एलिटिस्ट कॉन्सेप्ट बना दिया है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली राइट? क्योंकि उसको एफोर्ड करने के लिए मेरे पास पैसा होना चाहिए, तो मैं यू नो एंड आई थिंक इको फ्रेंडली सबसे लोअर स्ट्रेटा से उठना चाहिए, क्योंकि वहीं पे बहुत ज्यादा वेस्ट जो है जाता है. उससे मुझे एक सवाल और समझ में आया है जो मुझे आपसे पूछना पड़ेगा कि हाउ कैन वी कॉन्ट्रीब्यूट, मतलब क्या करना चाहिए. मुझे हमेशा ये लगता है एंड पीपल मे वैरी, बट मुझे लगता है एक सिस्टम क्रिएट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. अब मुझे नहीं पता कि वो कितना हम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी गवर्नमेंट ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने, चलो म्युनिसिपलिटी की बात कर ले, अगर ये मैंडेटरी रूल हो गया कि आपको वेस्ट जो है वो अलग करके ही देना है, तो वी आर मोर फोर्स टू डू इट, राइट? और अगर बोला आप कैसे भी दे दो, क्योंकि कूड़ा वाला तो आएगा और उसको अलग करके देगा. सो डू यू थिंक कि सिस्टम क्रिएट करने से, एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशनलाइज करने से बेटर होगा चीजें? प्लीज हाँ, इस पर, आपके ये सवाल पर मुझे और एक लर्निंग सर की याद आई। तो बोलिए. उन्होंने मुझे कहा था, इंडिया में दो चीजें चलती है, एक तो पैसा, नहीं तो डंडा। ठीक है, तो जो आप फोर्स करने की बात कर रहे हो, सो इट इज काइंड ऑफ निगेटिव मोटिवेशन कि भाई कंपल्शन कर दिया, बच्चों को स्कूल जाना ही है। ठीक है, दूसरा एक तरीका जो उन्होंने बताया था वो पॉजिटिव मोटिवेशन है। अब कैसे हैं हम लोग, जहां से भी वेस्ट कलेक्ट करते हैं ना, हम लोग हमारे खुद के क्लाइंट्स बनाते हैं। वेदर इट इज अ म्युनिसिपैलिटी, वेदर इट इज अ इंडस्ट्री, वेदर इट इज अ वेस्ट पिकर जो रास्ते से चुनते हैं, कबाड़ी वाला, ऑल ऑफ देम आर आर क्लाइंट्स, यस शॉप्स, ऑफिसेस, मॉल्स। ठीक है, और हम लोग इनसे फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ भी नहीं लेते हैं। ठीक है, हम आपके डस्टबिन के कचरे को भी वैल्यू देते हैं, यस तो वो भले ही 10 रुपए मिले, लेकिन वो हाउस लेडी के लिए या सोसाइटी के लिए वो 10 रुपए भी बहुत मायने पकड़ते हैं। 100%. अगर गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ रूल निकाला, आई एम टॉकिंग वेरी वे, कि ठीक है, कंपल्शन तो बहुत सारी सिटीज में हो चुका है ऑलरेडी। आप मुंबई, आई डोंट नो अबाउट मुंबई, बट बैंगलोर में कंपल्शन है, यस, इंदौर में भी शायद है, इंदौर में भी इंदौर. कंपल्शन है। यस ठीक है, यस बट अगर गवर्नमेंट ने रूल निकाला कि भाई वही हर सोसाइटी में क्लीनर होते ही है, राइट, क्लीनर को बोल दिया कि ये अलग अलग करेंगे तो हम जो ड्राई वेस्ट है उसके तुमको एक्स अमाउंट देंगे, एग्जैक्टली जो वेट वेस्ट है उसके तुमको वाई अमाउंट देंगे, तो क्लीनर मोटिवेट होगा, फिर क्लीनर अपने आप फोर्स करता है, काम वाली भाई की सब सुनते हैं। 100%. सो दिस इज अ वेरी वेग कंसेप्ट, बट हमारे केस में तो ये वर्कआउट। आज हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, करीब अमरावती में ही हमारे 250-300 से ज्यादा क्लाइंट्स हैं, इंडस्ट्रीज भी है, सोसाइटीज भी है, शॉप, मॉल्स, ऑफिसेस, होटल्स भी है, सब कोई। हम लोग सिर्फ ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, वी डोंट वर्क इन वेट वेस्ट। तो हम लोगों को ड्राई वेस्ट बिल्कुल मिलता है, 5-10% इज ओके। वो लोग कोशिश करते हैं, कुछ लोग कितना भी समझा लो नहीं मानते, बट एटलीस्ट वी आर गेटिंग 90% ऑफ ड्राई वेस्ट, Which is huge. विच इज गुड। Yeah. सो हमारे केस में तो पॉजिटिव मोटिवेशन काम किया, पैसा नहीं काम किया। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ ये बात कि ह्यूमन बिहेवियर वर्क्स ऑन मोटिवेशन.
अगर आपने एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्रिएट किया है, इट विल ऑलवेज बेनिफिट. अगर अच्छा, एक तो शायद मेरे अंदर है कि मुझे अलग करना है, ठीक है, बट मुझे इससे अगर एक रिवॉर्ड भी दिया जाए, माय बिहेवियर विल ऑब्वियसली बी बेटर, राइट? और मैं शायद और 10 लोगों को इंक्लूड कर लूं, अरे ये कर, दिस इज व्हाट द प्लान इज, राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली. क्योंकि आपने उससे पहले बोला कि आप अपनी कंपनी की तारीफ नहीं कर रहे हो, बट द थिंग इज दैट वी शुड टॉक अबाउट कंपनीज लाइक यू. हम इतनी ज्यादा उन स्टार्टअप्स की बात करते जो फंडिंग से चलती है, वी क्रिएट अ ह्यूज स्टोरी. नो, आई एम नॉट डिमीनिंग एनीवन, आई एम नॉट कंडिसेंडिंग द बिहेवियर. एवरी बिजनेस हैज देयर पर्पस, बट बिजनेस लाइक योर्स, बिजनेस लाइक इको कॉन्शियस बिजनेस, विच इज 100% सस्टेनेबल, नॉट ओनली इको फ्रेंडली, नाउ दैट आई हैव लर्न द डिफरेंस, यस, इट इज ऑल्सो सस्टेनेबल. एंड आई थिंक दे शुड बी गिवन मोर नेम सो दैट उनके आसपास के लोग भी, आज आपके पेरेंट्स ने मना कर दिए ठीक है, लेकिन मान गए, दूसरे प्रकार इन्होंने तो किया है, सो देयर इज समथिंग आउट देयर. आई थिंक रिवॉर्ड मैकेनिज्म रियली वर्क्स फॉर ह्यूमन मोटिवेशन. नहीं, दूसरा एक और मैं बताता हूँ. जब हमने स्टार्ट किया था, तब हम हमारे घर पर बोलते थे कि वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट अलग करो, क्योंकि वो टाइम तक के तो कंसेप्ट ही नहीं पता था. सो मेरी मॉम, जब मैं कंपनी में काम करता था ना, तभी मेरी मॉम को बोला था मैंने कि आप वहां अलग करा करो. तब मुझे मॉम ने बोला था कि भाई मैं तो अलग कर देती हूँ, सामने जो घंटा गाड़ी आती है वो एक में डाल देते हैं, तो मैं अलग करने की मेहनत क्यों करूं. तो फिर उनको बोला ठीक है, उसके बाद हम लोग आए, मैं बोला आप तो अलग करो. तो एटलीस्ट अब हमारी एक सोसाइटी है, तो पहले हम जो चार पार्टनर है, हम चार पार्टनर ने अलग करना शुरू किया, फिर हमारा देखे देखे हमारे पड़ोसियों ने अलग करना शुरू किया. अब ऐसा होता है, मुझे हर हफ्ते में एक दिन गाड़ी भेजना पड़ता है, हमारी व्हीकल भेजना पड़ता है कॉलोनी का, सिर्फ वेस्ट कलेक्ट करने के लिए. हालांकि उसमें से मिलता वैल्यूएबल ज्यादा नहीं है, बट एटलीस्ट टू मोटिवेट पीपल कि नहीं तुम अलग करो, देयर इज सब सिस्टम. यस यस. कैन यू टेल मी द डिफरेंस बिटवीन लीनियर इकोनॉमी एंड सर्कुलर इकोनॉमी? आई जस्ट वांट पीपल टू नो द डिफरेंस बिटवीन दिस, बिकॉज व्हाट यू आर डूइंग इज सर्कुलर इकोनॉमी, दैट आई नो, बट As we are so excited when the word economy comes, ki hum ye hai, let's understand this concept, please. So, circular economy or linear economy mein kya hota hai na? Jaise resource aayi, resource se cheez bani, cheez market mein gayi, aur baad mein uska dispose off ho gayi. Yes. Theek hai. To ye end of life cycle. It is nothing to do with वेस्ट. वो एंड ऑफ लाइफ में उसका वेस्ट क्रिएट कर रही है या नहीं कर रही है, इट इज इरिस्पेक्टिव. तो लीनियर इकोनॉमी में क्या होता है ना, रिसोर्स कहीं ना कहीं डिस्पोज ऑफ होता है, नॉट नेसेसरीली आज, मे बी इयर्स ऑफ लेटर वो जाएगा ही जाएगा. इसका बेस्ट एग्जांपल है आपका क्रिप्स पैकेट, जो चिप्स के पैकेट या बिस्किट के जो पैकेट होते हैं, दैट इज मल्टी लेयर पैकेजिंग. उसपे एक साथ में दो पॉलीमर या तीन पॉलीमर का लेयर होता है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, और उसकी अभी प्रॉपर मशीनरीज भी नहीं बनी है, ठीक है. सो अब उसको वो वेस्ट मैनेज करने के लिए उसको वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जा रहा है, या फिर उसके ब्रिक्स बनाए जा रहे हैं. तो अब एक बार वो जल गया तो फिर से तो उसका कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है, या फिर ब्रिक्स बन गए, वापस ब्रिक्स तो मट्टी में ही चले जाएंगे. So, this is eco-friendly है, लेकिन ये linear economy है. अच्छा, eco-brick से लेकिन linear economy है. क्योंकि it cannot be used again and again, right? Yes, yes. अब दूसरा, कोई भी recycle product जो है, ठीक है, वो क्या होता है, जैसे new plastic से कोई एक चीज बनी, वर्जिन प्लास्टिक से कोई एक चीज बनी, वो मार्केट में आई, मार्केट में आने के बाद में वो डिस्पोज ऑफ हुई, डिस्पोज ऑफ होने के बाद में वो वेस्ट मैनेजर के पास आई, कबाड़ी वाला, वेस्ट पिकर, किसी के पास भी आया, उसके बाद वो प्रॉपर सेग्रीगेशन हुआ, उसको फिर रिसाइकल हुई, फिर उससे चीज बनी, फिर मार्केट में आई, वो फिर से वेस्ट मैनेजर के पास आई, फिर कबाड़ी वाले ने किया, फिर देन इट इज सेग्रीगेटेड, फिर रिसाइकल होती गई, तो साइकिल कंटिन्यूस. Right. So there, the circular economy is like working like that, right? So basically, can you tell me how eco furniture is
इज द सर्कुलर इकोनॉमी कम्स अंडर सर्कुलर इकोनॉमी और यस बट कैसे होता है अगेन इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी. परफेक्ट सर्कुलर इकोनॉमी में क्या होता है इट नेवर गोज आउट. ओह इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम. हाँ मतलब इट इज द पार्ट ऑफ सिस्टम. उसमें कोई भी नई चीज ऐड नहीं हो रही है ना ही कोई नई चीज आ रही है. बेस्ट एग्जाम्पल इज मेटल रिसाइकलिंग. क्योंकि मेटल पिघलने के बाद वापस मेटल बन जाता है उससे नई चीज बनती है फिर से वो आती है स्क्रैप में फिर मेटल बनती है. हमारा प्रोडक्ट क्या है ना इट इज रिसाइकल वन टाइम. अब आइदर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें वर्जिन प्लास्टिक ऐड करो या कोई केमिकल ऐड करो फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी. अदरवाइज 3-4 times होने के बाद में इट विल गो इन टू लैंड. यानी इट विल बिकम क्या बोलेंगे उसको रॉक जैसा बन जाता है मट्टी हो जाता है. तो इसीलिए हमने ऐसा दैट वॉज द रीजन हम लोग फर्नीचर ही क्यों किए. क्योंकि फर्नीचर क्या होता है ना उसका लाइफ होता है 20 years का. यस यस तो 20 years तक के तो हम लोगों ने उसको सेव कर दिया. उसके बाद में 1-2 बार तो ये डेफिनेटली रिसाइकल हो जाएगा. तो उसके बाद में और उसको 20-25 years तक के चले गए. तो आर्स इज अ सर्कुलर इकोनॉमी क्योंकि इट इज रिसाइकलेबल. बस परफेक्ट सर्कल नहीं होता. आई गॉट इट. I'll just take a segue from this conversation. I just wanted to know, I get really interested and intrigued by Scandinavian countries. कि वो वहाँ पे आई एम श्योर कि आप भी उनके यू नो प्रोसेस के बारे में पढ़ते होंगे उनके सोलर एनर्जी विंड एनर्जी एंड ऑल. क्या इंडिया में कभी पॉसिबल होगा? क्योंकि मुझे इज इट पॉसिबल क्योंकि वी डू गेट लॉट ऑफ सन राइट. तो मुझे बहुत मैं बहुत ज्यादा यू नो आई गेट इंट्रिग कि इंडिया में हम लोग ने इसको इतना ज्यादा यूज क्यों नहीं किया. व्हाई वी आर नॉट एबल टू use solar energy and then you know put it back to the grid so that you know ek sustainability wala factor bhi aaye aur electricity kyunki electricity ka bahut issue hai india mein. I am from northeast of india aur mujhe pata hai ki har ek ghar mein 2 inverter hai matlab chahe koi bhi ho kyunki light to aadha time nahi rehti hai ya kuch problem hota hai but dhoop wahan aati hai. So why do you think ki hum indians jabki government maybe is giving lot of avenues for it so why do you think we don't use these energies? मतलब I like to differ. Many people are using और हम लोग बहुत सालों से ही use कर रहे हैं. जैसे hydro power plants है. Okay. Cheapest source of electricity एक time का था before solar. So हम लोग काफी time से उसको use कर रहे थे. Okay. But what I think कहीं ना कहीं India पीछे रह जाता है technology. Okay. Okay. जैसे ये वही बात हो गई ना कि everyone want to do good for the nature, लेकिन कहीं ना कहीं पॉकेट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं सिस्टम बीच में आ जाता है. तो वैसे ही अब आप एक अभी देता हूँ ई व्हीकल आर वेरी इन ठीक है आते ही वो पिकअप पकड़ लिया 100% 1.5. हाँ एग्जैक्टली नॉर्मल व्हीकल से 1.5 times उसका कीमत रहकर भी पीपल आर बाइंग इट पीपल आर गोइंग फॉर इट. क्यों? क्योंकि लोगों को उसके बेनिफिट अब समझ में आए. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल के सिस्टम आ गई. रेवा आई थिंक लॉन्च्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्ग बैक महिंद्रा रेवा वो लेकिन उतना पिकअप वो टाइम नहीं पकड़ा क्योंकि सिस्टम ही नहीं थे प्लेस. आधे से ज्यादा लोगों के घर पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहती थी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर करेंगे क्या. सो आई थिंक बिगेस्ट पार्ट टेक्नोलॉजी है इसमें. अभी बड़े बड़े सोलर प्लांट बन रहे हैं. अदानी बड़ा सोलर में बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं. रिलायंस इन्वेस्ट कर रहे हैं. बिग ब्रांड्स आर इन्वेस्टिंग इन सोलर. बहुत सारी जगह पर 100s and 500s acres वो लोग लैंड ले रहे हैं लीज पर सोलर प्लांट लगाने के लिए. तो 2-3 years में विल डेफिनेटली हार्नेस विंड एनर्जी सोलर एनर्जी ऑल ऑफ देम. टेक्नोलॉजी का अभी भी इशू है फ्यूचर में भी रहना रहेगा और थोड़ा लेट फ्यूचर में आई थिंक नहीं रहना चाहिए क्योंकि अब इंडिया में मेक इन इंडिया में बहुत सारे इंडिया में बन रही है चीजें. लाइक सोलर एनर्जी के लिए जो पैनल चाहिए थे सोलर पैनल इंडिया में बनते नहीं थे. नाउ देयर आर फ्यू कंपनीज हु आर प्रोड्यूसिंग और ट्राइंग टू प्रोड्यूस इट इन इंडिया. सो एक बार वो टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो यस वी विल डेफिनेटली हार्नेस. आई एम एक्साइटेड एक्चुअली अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया क्योंकि मुझे लगता है कि अभी हम लोग उस
तक भी नहीं पहुंचे और देयर विल बी ह्यूज यू नो चांसेस बहुत ज्यादा है. वी ऑलवेज टॉक अबाउट द अमेरिकन स्टोरी बट इट इज अबाउट इंडिया नाउ एंड वी होपफुली एजुकेशन आएगा, अवेयरनेस आएगी एंड विल गेट बेटर. मैं थोड़ा सा शिफ्ट होना चाहती हूँ अभी बिजनेस एस्पेक्ट में. हाउ अ स्टार्टअप लाइक योर्स स्केल, मुझे वो स्केलिंग आप कैसे सोचते हो व्हेन इट इज अबाउट स्केलिंग? हाउ डू यू थिंक अबाउट गोइंग टू अदर सिटीज? इज इट लिमिटेड टू योर सिटी? डू यू प्लान इन फ्यूचर, क्या प्लान है आपका अबाउट स्केलेबिलिटी इन दिस सस्टेनेबिलिटी बिजनेस? ओके, सी वेस्ट तो हर जगह बहुत है, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू, जैसे मैंने बताया, हम लोग स्केल एट एनी कॉस्ट कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है. हमारा जो अब आज हमारे जो फर्नीचर है, हम लोग ऑल ओवर इंडिया सप्लाई कर दिए. अंडमान निकोबार छोड़ के हमने पूरी इंडिया, हर स्टेट, हर यूनियन टेरिटरी में सप्लाई कर दिया है, ठीक है. बट मैन्युफैक्चरिंग हमने अमरावती यही पर रखा है, और 2-3 इयर्स डाउन द लाइन भी हम लोग अमरावती में ही मैन्युफैक्चरिंग रखेंगे. सेकेंड, वेस्ट मैनेजमेंट का अगर बात करूं तो जैसे हमें बहुत सारे फोन आते हैं, दिल्ली से, बैंगलोर से, राजस्थान से, कोलकाता से, कि हमें आपको वेस्ट भेजना है, ठीक है. तो हम लोग उनको एक सिंपल सा, अगेन यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट आता है, लोगों को अच्छा करना है बट उनको लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है. हम उनको बोलते हैं कि आप हमको, अगर आप वेस्ट मैनेज करने हैं या रिसाइकलिंग करने का मेन पर्पस क्या है, कार्बन फुटप्रिंट कम करना, रिसोर्सेस सेव करना. अब अगर वो हमें 1200-1000 किलोमीटर दूर से वेस्ट भेजेंगे, तो जितना वो वेस्ट में हम लोग कार्बन फुटप्रिंट नहीं बचा रहे हैं, उतना तो उसको लाने का लग जाएगा. सेम इज विद द कॉस्ट, उनका वैल्यू होगा 1000 रुपए, लाने का खर्चा लग जाएगा 1500 रुपए, ठीक है. सो वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा दिक्कत है अभी ट्रांसपोर्टेशन और मूविंग. इसलिए आप देखेंगे जो भी कंपनीज वेस्ट मैनेजमेंट में आ रही हैं, वो क्लस्टर में है. हम लोग अमरावती या नियर बाय एरिया से कलेक्ट कर रहे हैं. सम कंपनी वुड बी देयर इन बैंगलोर, जो बैंगलोर नियर बाय एरिया से कर रही है, कुछ कंपनीज वहां पे है. अब स्केलिंग के लिए इसमें ऑप्शन क्या है, हम लोग हमारे हब हर सिटी में खोलते हैं, जो वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी, और हम लोग उसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी MRF बोलते हैं. आज हमारा अमरावती में है, कल हम लोग पुणे में एक खोले, दिल्ली में एक खोले, बैंगलोर में एक खोले. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर स्केलिंग, क्योंकि वहां से वेस्ट लाकर अमरावती में मैनेज करना इज नॉट वायबल, और वो करना भी नहीं चाहिए. और कहीं भी एक सेटअप, अब हमको यहाँ पर लगभग ऑलमोस्ट 1 करोड़ इंड्यूस कर दिए अभी हमने, अभी तक के. कहीं और सेटअप करना है तो और 1 करोड़ लगेगा, दूसरी जगह सेटअप करना है तो और 1 करोड़ लगेगा. और इन्वेस्टर को कैसे, बहुत फास्ट मनी चाहिए. तो वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा है कि स्लो ग्रोथ मिलेगा, सस्टेनेबल ग्रोथ मिलेगा, बट आपको एकदम फास्ट मनी नहीं मिलेगा जो टेक्नोलॉजी में मिलेगा. तो स्केलिंग इज गोइंग टू बी इश्यू, क्योंकि लिक्विडिटी है नहीं. सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में वैसे भी बहुत ज्यादा लिक्विडिटी, फंड्स इंड्यूस नहीं हो रहे हैं. प्लस जो इन्वेस्टर है अभी, उनका पूरा फोकस टेक्नोलॉजी के स्टार्टअप्स की तरफ है. सो यस, टाइम विल कम, वी आर वेरी पॉजिटिव. बट द थिंग इज दैट यही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, कि बिजनेस इज अबाउट नॉट अबाउट 4-5 इयर्स, इट्स अ लॉन्ग. आई मीन आज हम टाटा की बात करते हैं बिकॉज़ इट्स अ 200 इयर्स ओल्ड कंपनी. एग्जैक्टली, ये स्टार्टअप में बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही तो चेंज हो गया ना. मेरे पापा बिजनेसमैन है, ही इज डूइंग एग्रीकल्चर फ्रॉम राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड, यानी 15-16 साल के, लगभग 40-50 इयर्स तक के उन्होंने वही किया है. उनको जब मैंने ये कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, उनका कैसा है, ब्याज का हिसाब चलता है, कि अगर मैं आज तुमको 1 करोड़ रुपए दे रहा हूं तो मुझे साल के 24 लाख रुपए ब्याज मिलने चाहिए. उनका वो कॉन्सेप्ट चलता है. तो वो बोलते हैं इन्वेस्टर तुमको देते हैं पैसा, कुछ लेते नहीं है, ऐसा कैसे होता है. उनको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉफिट में बिजनेस कैसे चल सकता है. बोले हमारे यहां पर अगर 2 साल लॉस में गया तो स्ट्रगल कर लेंगे, तीसरे साल भी लॉस में गया तो बिजनेस बोलेंगे बिजनेस बंद कर दो, नौकरी पर जाओ. यस,
तो अब वो स्टार्टअप कल्चर में पूरा बिजनेस का कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। एग्जैक्टली एंड देन उससे क्या होता है कि पहले तो आप पैसा लगा देते, फिर आपको जल्दी वापस भी उतना ही चाहिए, एंड देन यू एंड सेल द कंपनी बिकॉज 20 times। या एंड देन इंडिया इज अबाउट प्रॉफिटेबल. मतलब मैंने जितना देखा है, आप मारवाड़ीज की बात करो आप बाकी, बट दे आर सो क्लियर अबाउट देयर ऑब्जेक्टिव कि भाई बिजनेस है, वी नीड प्रॉफिटेबिलिटी फ्रॉम डे वन. ठीक है, 1 साल 2 साल आजकल चल जाता है, पर तीसरे साल प्रॉफिट तो चाहिए. ये थोड़ी है कि प्रॉफिट बाहर नहीं का है, पैसा डालना है. बाहर का अच्छा पैसा कितना लगाएंगे। नहीं, एंड आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम पीपल लाइक योर फादर एंड ऑल दिस बिजनेस. हम जिनको बोलते हैं, जिन्होंने एक्चुअली इंडियन इकोनॉमी को बैलेंस रखा है, क्योंकि धंधे एग्जैक्टली में प्रॉफिट है, प्रॉफिट इज है, इम्पॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी चाहिए. इज ये नहीं कि 2 साल इम्पोर्टेंट। बाद कंपनी बंद करके चले गया. सच एन इंटरेस्टिंग थिंग. तो अभी है ना स्टार्टअप में बोलते हैं ना, देयर इज ओनली टू एंड। अब आप टाटा का, अगर मैं आपको एंड पूछूंगा तो आप बोलोगे यार टाटा का क्या एंड है, कुछ एंड नहीं है, है ना। स्टार्टअप का बोलते हैं इन्वेस्टर के लिए सिर्फ दो एंड है, एक तो बड़ी कंपनी खरीद लो, जैसे फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने खरीद लिया, या फिर आईपीओ बना दो। आईपीओ बनने के बाद को-फाउंडर निकल जाते हैं, कंपनी चलती रहती है, लाइक जोमेटो हो गया। तो 100%. बट ठीक है नाउ, अब वो टाइम आ रहा है, शायद इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी यस. एंड देर आर टू मेनी स्टोरीज अराउंड अस जिनसे हमें सीखना चाहिए कि बिजनेस नीड्स टू बी अबाउट प्रॉफिट, बिजनेस नीड्स टू बी अबाउट क्रिएटिंग कम्युनिटी, बिजनेस नीड्स टू बी अबाउट क्रिएटिंग मोर लीडर्स. यू नो इट इज नॉट ओनली एम्प्लॉयमेंट, अबाउट या पहले बिजनेस एम्प्लॉयमेंट. होता था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। लोग मतलब प्राउडली बोलते थे कि पैसा नहीं कमाया लेकिन मैंने 5 लोगों को क्योंकि जॉब दी। मैं टाटा की कहानी हमेशा बोलती हूँ, बिकॉज टाटा इज वन ऑफ माय फेवरेट केस स्टडीज, एज वेल एज आई हैव स्टडीड टाटा फॉर क्वाडलम फ्रॉम लॉन्ग टाइम, कि इन्होंने इतने लीडर्स क्रिएट किया है कि देयर इज अ रेंज ऑफ पीपल कमिंग आउट. हमें अभी भी पता, और 200 साल पे चलेगा, हम चले जाएंगे लेकिन शायद टाटा नहीं. टाटा रहने वाला है, लाइक सच सो में दैट बोल. इज द बिजनेस, कि तुम्हारे जाने के बाद भी वो चलता रहे। ऐसा नहीं कि तुम जाओ और एकदम से शेयर गिर जाए, ये हो जाए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीपिंग एथिक्स, बहुत एथिक्स, इंपॉर्टेंट यस एथिक्स. यस वेरी यस, इंपॉर्टेंट. बिजनेस इज जस्ट नॉट अबाउट कि आपने प्रॉफिट बना लिया. यू नो हमारा एक थॉट है कि बिजनेस में यू नो एक दूसरे को डाउन करके, ऐसा नहीं है. बिजनेस इज अबाउट गिविंग ईच अदर स्पेस, सब एक साथ बढ़े. सच अ ब्यूटिफुल थिंग बिजनेस इज, एंड आई हैव लर्नड इट यू नो विद इन अ स्मॉल अब करियर ऑफ इससे माइन. एक और इंसिडेंट याद है, सॉरी आपको इंटरप्ट कर नहीं नहीं रहा प्लीज बोलिए ना. हूँ। हम लोग जब स्टार्ट किए थे ना बिजनेस, तो यहाँ पर जो अनऑर्गेनाइज मार्केट था उनसे हमको बहुत प्रेशर आ रहा था, क्योंकि वी वर न्यू। एक तरीके से हम उनका धंधा छीन रहे थे, क्योंकि हमारे पास जो वेस्ट आ रहा था वो पहले जो स्क्रैप वैल्यू था, वेस्ट तो ठीक है हम लोग कर रहे थे, जैसे जो कार्डबोर्ड हो गया जो लोग बेचते हैं, जो प्लास्टिक हो गया जो लोग बेचते हैं, वो हमारे पास आ रहा था उनका। तो हमें फोन भी आते थे पहले कि भाई तुम धंधा छोड़ दो नहीं तो तुम्हारे गोडाउन में आग लगा देंगे, ठीक है, ऐसा सब चीजें होती थी। तो बट धीरे धीरे, जैसे आपने कहा, बिजनेस इज अबाउट कोलैबोरेशन, कंपटीशन से ज्यादा कोलैबोरेशन है। हंड्रेड फिर हम परसेंट लोग उनके पास गए, उनको बोला कि देखो इतने सारे मटेरियल हैं, कुछ मटेरियल हम तुमको बेचते हैं, कुछ मटेरियल तुम हमको बेचो, ठीक है। सो अब क्या हो रहा है, कुछ चीजें जो होती है, 117 प्रोडक्ट है यार, 10 लोग हैं, ठीक है, कुछ चीजें होती है हम उनको बेच देते हैं, यानी वो दे आर एक्टिंग एज अ ट्रेडर कुछ चीजों के लिए। हमको, अब जैसे हम लोग फर्नीचर बनाते हैं, तो बहुत सारे बार हमको क्वेश्चन आता है कि आप इतना कितना वेस्ट मिल जाएगा कि आप फर्नीचर बनाओगे आफ्टर स्केलिंग। तो हम बोले कि इतना वेस्ट है ना आप इमेजिन नहीं कर सकते, मैं आज सिर्फ 1 या 2% अमरावती का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, 1 या 2% अमरावती का यूज कर रहा हूँ, अभी तो पूरा इंडिया बाकी है। सो इट्स ऑलवेज अबाउट कोलैबोरेशन, हाउ यू टेक इट। वो पहले हमको कंपटीशन समझते थे, आज साथ बैठ के चाय पीते हैं, साथ बैठ के कोई कहीं जाते हैं, कोई सप्लायर से मिलने जाते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू बिल्ड योर रिलेशनशिप। अगर आप सामने वाले को कंपटीशन की तरह देख रहे हो तो वो आपको वैसे ही देखेगा। अगर उसको पता लग गया कि नहीं भाई ये साथ वाला है,
तो फिर वो आपको वैसे ही ट्रीट करेगा। दैट इज आई थिंक द ब्यूटी ऑफ रिलेशनशिप इन बिजनेस एंड वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दिस आई थिंक बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू बी अ बिगर मार्केट बिगर यू नो बिजनेस एंड हम सबको ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि गुड कॉम्पिटिशन बट गुड रिलेशनशिप ऑल्सो यस यस एंड वी आर ऑलमोस्ट इन द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन एंड आई वॉन्ट टू एंड इट विद अ सिंपल क्वेश्चन हु इज योर हीरो वट मेक्स यू वेक अप एवरी डे एंड यू नो वट मोटिवेट्स यू टू गो आउट एंड मेक डिफरेंस इन द वर्ल्ड मतलब हीरो, एक सिंगल हीरो नहीं, मेरे हीरोज है प्लीज बस बताइए आई लव बोल हैविंग सकते मल्टीपल हीरोज क्योंकि मेरा भी कोई एक हीरो नहीं है बहुत है सो फर्स्ट वन इज ऑब्वियस माय फादर। सो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ उनके जितना हार्ड वर्क करूँ, बट हो नहीं पाता है क्योंकि मुझे आज भी याद है कि वो हम लोग सवेरे उठ के स्कूल चले जाते थे, वो टाइम वो रेस्ट करते रहते थे, और जब हम आते थे वो हमको मिलते नहीं थे, फिर वो जब रात को आते थे हम लोग सो जाते थे, तो हफ्ते 2 हफ्ते हो जाते थे कि हम लोग पापा से मिलते ही नहीं थे। सो एटलीस्ट आई एम इन वेरी बेटर पोजिशन कि ऐसा तो नहीं हो रहा है, बट स्टिल हार्ड वर्किंग उनके जितना करना है, उनका अगर मैं 50% भी हार्ड वर्क करूँ ना, आई विल बी मच मोर अहेड ऑफ अभी जहां पर है। सेकेंड हीरो इज माई प्रीवियस एम्प्लॉयर मिस्टर संदीप पटेल, जो मैंने बताया नेपरा रिसोर्स मैनेजमेंट के सीईओ। मेरे कन्वर्सेशन में भी आपको दिखा होगा उनकी मैंने बहुत सारी बातें बताई है। सो दिस टू आर माय मेन हीरो, और इनको देखकर ही मैं चलता हूँ, यानी वो टाइम मैं सोचता हूँ कि ये लोग कैसे सोचेंगे और उस हिसाब से फिर वर्कआउट करता। That is a beautiful thing. I think we should always learn from our parents' experience, and the vision should be there so that there is a balance between vision and experience. यस 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 Thank you, ओके Madhur, for your time, and thank you for this insightful conversation. I hope I have not missed anything. Do you think that I have missed anything or ना, मेरे हिसाब से तो बहुत ज्यादा बोल नहीं, but we had a great conversation. Thank you for making me understand few concepts, क्योंकि कहीं ना कहीं वो mix हो रहे थे मेरे लिए. Thank you, Madhur. दिया। यस प्रोबेबली आपके ये इंटरव्यू से लोगों को थोड़े से अवेयरनेस होगा Yes. रिगार्डिंग सस्टेनेबिलिटी, इको फ्रेंडली एंड ये सब प्रोडक्ट्स रिलेटेड। Absolutely. This is what the intention is, and this is the intention of bringing people like you on platform, you know, who are doing some wonderful job. Thank you, Madhu. Thank you for your time. Yes, thank you so much.